तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे चार स्टेप होंगे टमाटर फेशियल में। फर्स्ट है क्लिंजिंग, सेकंड स्क्रबिंग, थर्ड मसाजिंग एंड फोर्थ फेस मास्क। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप वन में हमें क्या करना है। स्टेप वन है क्लिंजिंग। उसके लिए हमें चाहिए चार मीडियम साइज़ के टमाटर, उसकी हम प्यूरी बना लेंगे मिक्सी में। और उसके बाद हम चार चम्मच कच्चा दूध लेंगे और उसके अंदर दो चम्मच टमाटो प्यूरी डाल देंगे, यानी टमाटर का जो प्यूरी जो हमने बनाया है वो डाल देंगे। और इसको हम फेस पे कॉटन से अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द फेस। आप हैंड्स पे भी, जहाँ पे भी आपको कुछ भी स्किन में प्रॉब्लम लगे वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं लाइकोपिन, और ये बहुत ही अच्छा सेलुलर डैमेज को क्लीन करता है, बहुत अच्छे से इन्फ्लेमेशन ठीक करता है, बहुत अच्छा स्ट्रिंजेंट है ये, टेक्सचर क्वालिटी बहुत इंप्रूव करेगा स्किन की, एक पिंकी सा ग्लो लेके आएगा फेस पे, और ओपन पोर्स की कंप्लेंट है उसको भी ठीक कर देगा, सनबर्न डल स्किन को भी ठीक कर देगा। प्लस अगर मैं रॉ मिल्क की बात करूँ तो एक नेचुरल क्लींजर है और ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, और इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में विटामिन बी एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, कैल्शियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन को डीपली नरिश करते हैं। और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और प्लस ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको रिमूव कर देता है और ड्राई स्किन को भी नरिश करता है, तो इसलिए ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये ड्राई हो जाए तब उसको वॉश कर लेना है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे जो है स्क्रबिंग। उसके लिए हमें दो चम्मच टमाटो प्यूरे, अगेन वही जो हमने पहले बनाया था वो ले लेना है, और प्लस हमें एक चम्मच शुगर की लेनी है। यहाँ मैंने दो डाली क्योंकि पहले वाली चम्मच मेरी पूरी नहीं थी, आधी आधी दो डाली, यानी एक चम्मच आपको लेनी है। तो उसके बाद इसको आप एक आधे टमाटर की स्लाइस से आप इसको ऑल ओवर द फेस अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या है, शुगर में जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो स्किन में डीपली पेनिट्रेट करके और स्किन को बहुत ही अच्छा रिजुविनेटेड लुक देता है, बहुत फ्रेश लुक देता है। और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको गाइज नहीं पता हो तो शुगर एक नेचुरल स्क्रब की तरह भी काम करता है, यानी आपके जो भी ब्लैक हेड्स या फिर कोई भी जो भी आपके वाइट हेड वगैरह अगर होंगे तो वो भी बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे और हट जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा स्क्रब का ये काम कर सकता करता है। और वैसे तो शुगर सबके पास अवेलेबल होती है, बट अगर आपके पास ओट्स अवेलेबल है तो आप उससे भी ये चीज़ कर सकते हैं, यानी आप शुगर की जगह आप ओट्स लगा सकते हैं, टमाटो एज इट इज़ रहेगा। और ये एक तरह का क्योंकि स्क्रब है तो इसको अच्छे से स्क्रब करके इसको हमें ड्राई करके इसको वॉश नहीं करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको वॉश क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके जो भी गुण हैं हमारी जो स्किन है उसके अंदर हम जाने देंगे, एब्जॉर्ब होने देंगे जो भी इसकी गुडनेस है। और इसको बस ड्राई होने के बाद आपको एक टिश्यू से वाइप कर लेना है। आप देखिए ये ड्राई हो गया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी आपको एक टिश्यू से इसको वाइप कर लेना है। अभी समर सीज़न है इसलिए हमारे पोर्स ऑलरेडी ओपन रहते हैं, बट अगर आप विंटर में फेशियल करें तो आप इस स्टेप के बाद अपनी जो स्टीम है स्टीम भी ले सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आता है मसाज। उसके लिए हमें चाहिए अगेन टमाटो प्यूरी 1 स्पून और विटामिन ई का कैप्सूल मैं एक डाल दूंगी इसके अंदर। अब विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी स्किन जो डैमेज स्किन है उसको रिपेयर करते हैं और ब्लेमिश हटा देते हैं, डार्क स्पॉट्स हटा देते हैं, यूवी यानी सन से जो डैमेज होती है उसको भी हटा देते हैं, रिंकल्स नहीं आने देते हमारे फेस पे। और उसके बाद मैंने यहाँ डाला है आमंड ऑयल। अब आमंड ऑयल अगर आपके पास ना हो तो आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एज सच, तो आप विटामिन ई से ही विटामिन ई और टमाटो प्यूरी ही लगा लीजिए, तो इसको ऑल ओवर द फेस मसाज करेंगे। तो आमंड ऑयल में भी विटामिन ई बेसिकली पाया जाता है और भी बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स हैं आमंड ऑयल के। मैंने यहाँ स्वीट आमंड ऑयल लिया है, हम दर्द का रोगन बादाम शीरन आप कोई भी ले सकते हैं, बट स्वीट आमंड ऑयल ही होना चाहिए। अब आमंड ऑयल जो है वो सन डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, डार्क सर्कल्स को बहुत कम कर देता है, कॉम्प्लेक्शन फेयर करता है आपका, आपकी स्किन में एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं आमंड ऑयल में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है, तो इस तरीके से ऑल ओवर द फेस आपको मसाज करनी है, जिससे कि आपका जो फेस पे जो भी सर्कुलेशन है ब्लड सर्कुलेशन वो इम्प्रूव हो सके, उसके लिए मसाज का स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप हल्के से अपने हाथों से ही कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हार्श कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जेड का यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हार्शली आपको यूज़ नहीं करना है।
उसके बाद स्टेप फोर में आता है फेस मास्क। तो फेस मास्क के लिए मुझे अगेन चाहिए 2 चम्मच टमाटो प्यूरे यानी टमाटर का रस 2 चम्मच, और फिर मैंने यहाँ लिया बेसन 1 चम्मच बेसन मैंने लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी एलोवेरा, मैंने यहाँ पतंजलि का एलोवेरा लिया है केसर वाला, आप चाहे तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच एलोवेरा। उसके बाद मैं लूँगी दही, ये मेरे घर की बनी हुई दही है, 1 चम्मच मैंने दही ली है। उसके बाद मैंने पिंच हल्दी यानी टर्मरिक ली है। तो इस पूरे पेस्ट को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और अब हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। अब हमने जो मसाज किया था जिससे फेस पे, उसको भी हमें रिमूव नहीं करना है, उसकी भी गुडनेस हमें अंदर जाने देनी है, और उसके ऊपर ही हमें ये फेस मास्क यूज़ करना है। तो बेसन जो हमने डाला है उसके अंदर जिंक होता है जो इन्फेक्शन से फाइट करता है, टैन को रिमूव करता है, डेड स्किन जो है आपकी वो एक्सफोलिएट हो जाएगी, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे, फेशियल हेयर रिमूव होंगे, और एक अच्छी सी इंस्टेंट फेयरनेस आपको मिल जाएगी, आपकी स्किन टाइट होगी, फर्म होगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, दही मैंने डाली है, दही तो यार एक सुपर फूड है, बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं, स्किन में अच्छा सा ग्लो लेके आते हैं। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी होते हैं जो कि स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं दही में जो कि एक्ने जो होती है उससे फाइट करते हैं। उसके बाद हम इस मास्क को सूखने देंगे और फिर थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से मसाज करेंगे। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ, मैंने यहाँ डाला था एलोवेरा, तो एलोवेरा के लिए, एलोवेरा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन डैमेज को प्रिवेंट करता है, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, स्किन को फर्म बना के रखता है। उसके बाद मैंने डाली थी हल्दी, हल्दी एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है, टॉक्सिन्स को रिमूव करती है ब्लड में से, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारी स्किन को ब्राइट करती है और हेल्दी ग्लो लेके आती है हमारे फेस पे, और एजिंग के साइंस कम हो जाएंगे और एक यंग सा निखार आएगा आपके फेस पे, यंग सा एक ग्लो आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने वॉश कर लिया है ये सब कुछ, पैक लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो हमें इसको वॉश कर लेना है, और आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत स्किन स्मूथ, सॉफ्ट, सप्पल हो जाएगी, ट्राई कीजिए, हमेशा शेयर कीजिए अपने व्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।